कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की बैठक सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई। बैठक में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, कृषि संकट और आरसीईपी समझौते जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ये भी फैसला किया गया कि विंटर सेशन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए अजय झा की रिपोर्ट। सर उपेंद्र कुशवाहा है सर, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है, खासतौर से क्रेडिट क्राइसिस के ऊपर? देखिए जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसानों की समस्याएं हैं और अभी जो आरसीपी को लेकर के वहाँ जो समझौता होने का प्रस्ताव है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट का सेशन जब होगा तो जितने मुद्दे हैं एग्रीकल्चर के, उद्योग के, अनएम्प्लॉयमेंट के, ये सारे मुद्दे, इसमें जासूसी भी है इसराइल के थ्रू जो हुई है, और जो अभी आपका जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है ये चौपट कर देगा देश को। एक तारीख लेकर के 10 दिन विरोध किसी एक शरद यादव भी यही कह रहे हैं कि किसी एक तारीख को ये तय किया जाएगा जिसमें तमाम विपक्षी पार्टी के नेता इकट्ठा होंगे और संसद से लेके संसद के बाहर तक एक प्रदर्शन किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को लेके सरकार ने जो स्थिति बनाई हुई है उसको लेकर आज 13 राजनीतिक दलों के नुमाइंदे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए और इस बात पर सहमति बनी कि संसद सत्र के दौरान ये तमाम राजनीतिक दल एक सामूहिक रूप से एक स्ट्रैटेजी बना के सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।